नमस्कार दोस्तों, VLCC ने आज राजधानी में अपने फ्लैगशिप सेंटर का शुभारंभ किया। VLCC ब्यूटी और वेलनेस सर्विस के लिए जाना माना प्रतिष्ठित ब्रांड है। सेंटर का उद्घाटन पूर्व मंत्री व कानपुर सांसद सत्यदेव पचौरी और उनके साथ लाखों युवाओं की प्रेरणा स्रोत फेमिना मिस इंडिया रनर अप 2020 मिस मान्या सिंह ने किया। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मान्या ने देवरिया के एक छोटे से गांव से राष्ट्रीय स्तर तक का एक बड़ा सफर तय किया है। तो महिला दिवस पर हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से वो महसूस कर रही हैं 2020 से और 2022 के बीच का उनका सफर कैसा रहा। साथ ही VLCC के MD जयंत खोसला जी से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि VLCC क्या नई नई चीज़ें लेकर के राजधानी लखनऊ के इस फ्लैगशिप सेंटर में आया है। ये जो सेंटर लखनऊ में जहां हम आज बैठे हैं, ये हमारा इंडिया का फ्लैगशिप सेंटर है। फ्लैगशिप का मतलब है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जो लेटेस्ट सर्विसेज हैं वर्ल्ड ओवर में कहीं भी, वो हम आज इस सेंटर में शुरू कर रहे हैं फॉर आर लखनऊ रेजिडेंट्स एंड आर फेवरेट कस्टमर्स। इससे हम इंश्योर करेंगे कि जो सर्विस क्वालिटी अब लखनऊ के कस्टमर्स को मिलती है वो बिल्कुल वैसी ही हो जैसे कि वर्ल्ड में कहीं भी उनको जो मिल सकती है वो आज से अब लखनऊ में मिलेगी। वो लेज़र भी कवर करेगी, वेलनेस एंड वेट मैनेजमेंट में भी है, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में भी है और सब तरीके से कंप्रीहेंसिव बेस्ट इन क्लास सर्विस लखनऊ सेंटर से हम आज इनॉग्रेट कर रहे हैं। अरे, सबसे पहले तो पूर्वांचल की बेटी का आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और बहुत लाखों करोड़ लड़कियां आपसे प्रेरणा लेती हैं, लेकिन 2020 से और 2022 के अंतराल कैसा रहा, क्या क्या था? बहुत ज़्यादा डायनेमिक रहा। सिर्फ जब मैं उत्तर प्रदेश से निकली थी तो सिर्फ मान्या थी, अब मैं 2 साल बाद एक कॉन्फिडेंट वुमेन बन के निकली हूँ। और सिर्फ मिस इंडिया ही नहीं, मैंने ये क्राउन को डिसाइड करा है कि मेरा क्राउन मुझे बोलता है कि आई डिजर्व मान्या। तो मैंने इतनी, ये 2 साल में मैंने उतनी हार्ड वर्क की है, सोशल वर्क किया है, ग्लैमरस इंडस्ट्री में काम किया है। सो दैट्स वॉट मैंने वुमन एम्पावरमेंट में VLCC को आप कैसे देखी? VLCC हैज ऑलवेज बीन एपेक्स, क्योंकि वो हमेशा से ही वुमेन को अप्रिशिएट करता है, नॉट जस्ट फॉर आउटर ब्यूटी, इनर ब्यूटी एज वेल, और उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है जिससे औरत अपने वो शेल से बाहर होके अपने सपनों को अचीव कर सके। वुमेन डे पे क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, यू आर वुमेन एंड यू हैव ऑल द पावर एंड यू आर द वूम्ब ऑफ द यूनिवर्स, यू कैन डू एंड अचीव एनीथिंग। सो जस्ट कीप ड्रीमिंग।